अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं फारिया जुमेद और आज मैं आप लोगों के साथ स्किन वाइटनिंग ग्लोइंग ब्लीच बनाने का आपको तरीका बताऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी इसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो देखते देखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक को शेयर भी कर दें। ये वाइटनिंग बूस्टर है सॉफ्ट टच वालों का, ये सूथिंग लोशन है सॉफ्ट टच वालों का, और ये भी सॉफ्ट टच वालों का स्किन शाइनर है, और ये गोल्ड 24 गोल्ड जो है ये सीरम है, और ये चुकंदर का जूस है ये देखें, और ये चावल का आटा। तो मैं आप लोगों के साथ इंस्टेंटली स्किन वाइटनिंग ग्लो ब्लीच बनाने लगी हूँ और आप लोगों को बताऊंगी तो ये आपके चेहरे पे कितने दिन ग्लो रहेगा। मैं इसमें डालूंगी स्किन सॉफ्ट टच वालों का वाइटनिंग बूस्टर है, फिर मैं इसमें डालूंगी सूथिंग लोशन, फिर मैं इसमें डालूंगी स्किन शाइनर। ये हमारी स्किन को ग्लो भी करेगा और हमारी स्किन शाइन भी रहेगी। इससे आप इसको रात को सोने से पहले इसके दो से तीन ड्रॉप लेके अपने चेहरे पे लगाएं और सुबह जब आप चेहरा वॉश करेंगे तो फिर भी आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा। फिर मैं ये गोल्ड सीरम डाल रही हूँ, इसकी मैं 2 से 3 डालूंगी ड्रॉप। फिर मैं इसमें चिकंदर का जूस डालूंगी, तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है और ये इतना अच्छा पैक बन गया। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त ब्लीच है, आपके चेहरे को ग्लो भी देगी और आपके चेहरे को वाइट भी करेगी। इससे पिगमेंटेशन भी दूर होगी, डार्क स्पॉट भी आपके ख़त्म होंगे। ये मुझे बहुत पसंद आई थी, इसको मैं 10 से 15 दिन से यूज़ कर रही हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो ये बहुत ज़बरदस्त है, मुझे इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। आप लोग यूज़ करें, अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये देखें, तो आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए लगा के रखना है। तो आपने अपने चेहरे बाजू जहाँ भी लगाए 15 से 20 मिनट लगा के रखना है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।